विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में चरण वंदना। आज हम यूनिट 8 क्लास प्लस वन अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर द प्लस वन क्लास बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीएसटी का जो ये टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इवन देन जो हायर लेवल के टेस्ट है उसमें भी जीएसटी के एक दो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है तो इसको आप बड़े ध्यान से देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। फुल फॉर्म जीएसटी का जो फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सी इज द राइट आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स सप्लाई टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स या जनरल स्टेटमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, बल्कि इसका जो राइट आंसर है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑन व्हाट डेट जीएसटी बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो है जीएसटी कब पास किया गया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 24 मार्च, 24th मार्च 2017। सेकेंड अक्टूबर 2017 नहीं है, 1 अप्रैल 2017 नहीं, 24th मार्च 2019 नहीं है, बल्कि जो इसका राइट आंसर है वो है 24th मार्च 2017। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच डेट जीएसटी एक्ट 2017 कम इंटू फोर्स। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 2 अक्टूबर 2017, 1 अप्रैल 2017, 20th मार्च 2017। तो जीएसटी जो है वो इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017। तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2017। विच ऑफ द फॉलोइंग मर्ज इंटू सी जी एस टी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी को भी मर्ज किया गया, सर्विस टैक्स को भी मर्ज किया गया, सेंट्रल सेल टैक्स को भी मर्ज किया। तो ऑल ऑफ द वो जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मर्ज इंटू एस जी एस टी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स और ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, ये सभी को जो है वो शामिल किया गया। तो ऑल ऑफ द वो इसका भी राइट आंसर है। इन हाउ मेनी स्लेव्स जीएसटी रेट स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, दैट इज डिवाइडेड इंटू 5 स्लेव, दैट इज 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस प्रकार से ये 5 स्लेव में जो है वो बांटा गया है। उसके बाद है, द रेंज ऑफ जीएसटी रेट वेरीज फ्रॉम, तो ये 0% से 28% के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 0 से लेके 28% के बीच में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, तो इस बात का भी ध्यान रखें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप सभी जानते हैं कि जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी है, एंड इंटीग्रेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी जो है इसके टाइप्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो रिडक्शन इन टैक्स एविजन, दूसरा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ऑल ऑफ द अबव ये राइट आंसर है। तो ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद है, ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स जीएसटी चार्ज इज नोन एज, तो जो इंट्रा स्टेट जो है उस जब गुड्स एंड सर्विसेज सेल की जाती है तो उसको बोलते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एसटी। अगला क्वेश्चन है, ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स जीएसटी चार्ज इज नोन आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट जो है वो सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, जो इंट्रा स्टेट होता है उसको सेल ऑफ गुड्स जो है वो होता है आईजीएसटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सैलरी एंड वेजेस भी एग्जेम्प्ट है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी, इंटरेस्ट चार्जेस भी। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज ए असेट, इस बात का ध्यान रखें कि जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज एन असेट, ये एक्सपेंसिज नहीं है, कॉस्ट नहीं है, लॉस नहीं है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूड इन द जीएसटी, तो इसमें जो जीएसटी में इंक्लूड की जाती है कौन कौन सी आइटमें जो है इसमें नॉट इंक्लूड है, इनमें से कौन सी इंक्लूड नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, इनकम टैक्स नहीं है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी है, लॉटरी टैक्स भी है, वैल्यू एडेड टैक्स भी है। तो इनकम टैक्स जो है वो जीएसटी में शामिल नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़
प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू। ये छोटी सी वीडियो थी, इसे आप ध्यान से देखें।